वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रूप प्रोपल इन स्वॉल। तो आज ना मैं बॉडी एक्साइटेड हूँ गाइस। तो मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं कहीं पे जाने वाली हूँ पिकनिक पे, तो हम लोग शिलोंग में जाने वाली है पिकनिक के लिए, तो इसलिए मैं ज़्यादा ही एक्साइटेड हूँ। और ये मेरी लाइफ का फर्स्ट पिकनिक है गाइस, इससे पहले मैं कहीं पर भी नहीं गई हूँ। और इसके पीछे एक कारण है, क्योंकि मैं दूर नहीं जा सकता, मतलब बस से मैं ट्रैवल नहीं कर सकती। मेरा सर पता ही बहुत घूमता रहता है, मतलब चक्कर आता है मुझे, और चक्कर आने पर तो क्या होता है, हालत ख़राब हो जाता है। तो इस वजह से मेरी माँ मुझे जाने के लिए नहीं देती। तो आप ही पता नहीं कैसे, मतलब दे दी परमिशन, तो जो भी हो मैं जाने को तो मिल जाएगा। तो ये जो पिकनिक है ना, हमरेन की तरफ से ऑर्गेनाइज़ किया गया है, हमारे गांव का नहीं है ये पिकनिक। तो हमरेन में मेरा मामा है, उन लोगों का घर है, मतलब मामा का घर है। तो मामा ने मुझे मैसेज करके बोला कि हम लोग मतलब शिलोंग में जा रहे हैं पिकनिक के लिए, तो तुम भी आओ बोला। तो मैं भी मन बना लिया जाने के लिए, और मामी से पूछा, तो माँ ने मुझे परमिशन दे दी जाने के लिए, क्योंकि मामा जाएगा और मामा की सिस्टर भी जाएगा, तो इसलिए मुझे जाने के लिए दे दिया, नहीं तो कभी नहीं, कभी जाने के लिए नहीं देती। तो अभी हम इस तरफ से, हमारे गांव की तरफ से मैं और मेरा फ्रेंड होगा, हम दोनों जाएगा हमारे गांव की तरफ से, उसको हमरेन में जाना पड़ेगा। और हमरेन से ही सारा जो पिकनिक में जाने वाला है सारा आदमी वहां से ही मतलब जाएगा, तो वहां से बस फुल हो जाएगा। या जो बस लेने वाली है पिकनिक के लिए वो बस इस तरफ से ही जाएगा, मतलब डोंका का है वो बस, तो इसलिए तो हम लोग उस बस में से जाएंगे, फिर हम हमरेन पहुँचेंगे, फिर हमरेन से हमारी जर्नी स्टार्ट होगा। तो चलते हैं, आप लोगों को सारा चीज़ में आप लोगों को इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ गाइस। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहे, बिल्कुल स्किप ना करें, मेरे साथ बने रहे। और अगर इससे पहले आप लोग इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि आप लोगों को मेरी हर नई वीडियोज़ मिलते रहे इसी तरह से। तो अभी चलिए, मुझे मतलब सामान भी रेडी करना है, फिर आप लोगों को दिखाऊंगी मैं क्या क्या रेडी किया है मेरी। तो वैसे मैं इतना सामान लेके नहीं जाने वाली हूँ, क्योंकि मैं इतना संभाल नहीं सकती। तो जो कपड़ा होगा वो पहन के जाएंगे, फिर एक इतना ही होगा, मतलब इतना नहीं, इतना लेके नहीं जाएंगे। तो मेरे साथ आप लोग भी चलिए और देखिए हम लोग क्या क्या, कहाँ कहाँ जाते हैं, किस किस प्लेस में जाते हैं, और आप लोग भी एंजॉय करो और मैं भी एंजॉय करती हूँ इस वीडियो में। तो चलते हैं। तो ये सब है जो मैंने रेडी किया, ये हाई नेक गर्म कपड़ा, और ये मेरा लॉन्ग पैन, और ये सॉक्स, और ये मास्क, हैंडकरचीफ, और ये गमछा पोंछने के लिए क्योंकि जरूरी है, और ये स्पोर्टिंग जो मैंने शॉपिंग किया था, तो ये वो वाला स्पोर्टिंग है, और ये भी स्पोर्टिंग है, तो मैंने इसे ही लेके गई ये, और ये मेरा, और ये बेल, ये फेस वाश, और ये लोशन, और ये कंघी, और ये जैकेट, और ये मेरा वॉच, और ये है पानी बोतल, तो ये लिप बम, और इस बैग में मैं मेरा सामान लेके जाने वाली हूँ। तो ये सब है, तो इतने ही मैं लेके जाने वाली हूँ। तो अभी हम लोग निकल गई हूँ डोंका के लिए, और अभी रात के 8 बज रहे हैं गाइस, और मुझे डोंका तक मेरा भाई रखने के लिए जा रहे हैं। तो ये सब देखो नज़ारा, झिकमिक लाइट्स, तो ये क्रिसमस का है ये सब। तो अभी हम डोंका पहुंच गए गाइस। तो गाइस अभी हम लोग डोंका पहुंच गए, और अभी रात के 9 बज रहे हैं, और हम लोगों के पास अभी तक नहीं आया, तो थोड़े देर बाद आ जाएंगे पास भी, फिर हम लोग निकलेंगे हमरेन के लिए, और हमरेन से शिलोंग। तो आप लोग मेरे साथ बने रहो। ठंड लग रही है मुझे, और
ऊपर हवा भी चल रहा है तो इस वजह से ज़्यादा ठंड लग रही है, तो मेरा हाथ बर्फ़ हो गया। तो ये है गाइस दुमका का नज़ारा, खाली सड़क पूरा। तो रात भी कुछ ऐसे दिखते हैं दुमका। तो गाइस फाइनली हमारी बस आ गई और हम लोग बैठ गए और देखो पूरा सीट खाली है। और ये मेरा फ्रेंड, हाय बोलो। हाय। और अभी मतलब ड्राइवर नहीं है, आप लोग देख सकते हैं। देखो अभी ड्राइवर नहीं है, पता नहीं और कब जाएगा। और वेट कर रही है ना, वेट कर रही हूँ। वैसे घर से आती हम लोग यहाँ दुमका में 30 मिनट से ज़्यादा हो गए शायद वेट करते करते बस के लिए। और अभी बस आई और फिर से हम लोगों को ऐसे रुक रही हूँ, वेट कर रही हूँ अभी फिर। तो पता नहीं कब जाएगा, लेकिन जल ही जाएगी। तो आप लोगों को मैं दिखाऊँगी। और हमरेन में पहुँचने के बाद सारा फुल हो जाएगा बस। तो अभी जाने वाले है गाइस बीजी। तो हमारी बस स्टार्ट हो गई, अब हम लोग जाएंगे। तो हमें सेफ जर्नी बोलो। तो इसको देखो फोन में इतना बिजी है ये, और ये खाली बस का पूरा फायदा उठा रहे। अभी जा रही हूँ गाइस, और ये देखो ये खिड़की खुला रखा है ताकि हवा मिल रहे, चक्कर रहता है मुझे तो इस। तो गाइस अभी मुझे थोड़ा थोड़ा करके चक्कर आ रहा है, पता नहीं क्या होगा। हे गाइस गुड मॉर्निंग। तो हम लोग रात भर सफ़र करने के बाद अभी चेरापूंजी में पहुंच गए, जो कि शिलोंग के पास में ही है। तो बहुत धन्यवाद, और मैं इतना वीडियोस भी नहीं कर सकी क्योंकि दुमका से थोड़ा निकलती मेरा पूरा हालत ख़राब हो गया, तो पूरा चक्कर अभी। और फिर भी मैं ऐसे ही थोड़ा हवा खाने के लिए आ गई, तो इसलिए थोड़ा ठीक हुई हूँ। तो हम लोगों को फर्स्ट यही है चेरापूंजी, हम लोग यहाँ में उतरे हैं। वो पता नहीं, और अभी घर में जा सकते हैं तो आप लोगों को दिखाते जाऊँगी। आप लोग बस बने रहो कर, और मुझे शायद मैं दिखाने की कोशिश करूँगी और यहाँ में बहुत हवा है, बहुत ज़्यादा हवा है। तो ज़्यादा देर नहीं रह सकती, नहीं तो बर्फ़ हो जाएगा हाथ में रहते रहते। तो आप लोग देखो नज़ारा, ये हमारे पास की, और ये है हमारे पास। तो ये है नज़ारा चेरापूंजी का। देखो गाइस मेरा हाथ पूरा लाल हो गया ठंड की वजह से। ये बस में मेरा हाथ देखो पूरा लाल हो गया, ये नहीं रह सकती हमें। तो गाइस हम लोग यहाँ से जा रही हूँ, और आप लोगों से मैं मिलूंगी नेक्स्ट एपिसोड में। तो आप लोग नेक्स्ट एपिसोड ज़रूर देखना, जल्द ही आएंगे। और वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बहुत मेहनत से बनाया है गाइस मैंने, और बहुत मेहनत भी लगा यहाँ में आने के लिए। तो प्लीज़